प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ाऊंगा। ओ, तुम्हें नहीं मालूम पर्यावरण क्या है? क्या कोई भी मुझे बता सकता है पर्यावरण क्या है? मुझे लगता है हमारा वातावरण जैसे हवा, पानी, पौधे, है ना महोदय? हाँ, लेकिन ये केवल हवा, पानी और पौधे नहीं, पर्यावरण ही सब कुछ है जो कि जीवों को प्रभावित करता है। यह हमारे वातावरण में जीवित और निर्जीव चीजों को शामिल करता है। हमारे पर्यावरण के निर्जीव भाग है भूमि, पानी और हवा। इसके साथ साथ यह हमारी प्राकृतिक संपदा है। जीवाणु, पौधे, जानवर और इंसान जीवित भाग में आते हैं। ये हमारी प्रकृति के भाग हैं। चलो कक्षा से बाहर चलते हैं और बाग में टहलकर अपने पर्यावरण को महसूस करें। पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है महोदय? पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से कारण हैं। ये हैं अंधाधुंध प्राकृतिक संपदा का उपयोग, जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, जलवायु में अंतर जिससे जीव जंतुओं की जाति का हनन, और मानव जनसंख्या में बढ़ोतरी जिससे ज्यादा खर्च को बढ़ावा। इन सब चीजों और हमारे पर्यावरण में क्या संबंध है महोदय? अच्छा सवाल है ये। जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण ज्यादा खाद्य और दूसरी वस्तुओं की जरूरतें बढ़ेंगी। इससे प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक उत्पादन में दबाव पड़ेगा। इसकी वजह से प्रकृति का हनन होगा और प्रदूषण का कारण बनेगा। प्रकृति के हनन से पारिस्थितिकी असंतुलन होगा। पर्यावरणीय प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और आराम, यहाँ तक कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए अपने पर्यावरण का संरक्षण करना ही चाहिए। बच्चों, क्या तुम पर्यावरण प्रदूषण के कुछ उदाहरण दे सकते हो? हाँ सर, जब हम पेड़ के नीचे होते हैं तब हमें छाया, ताजा और ठंडी हवा के कारण आराम मिलता है। लेकिन जब हम भीड़भाड़ वाले बाजार में जाते हैं तब हम हमारे आसपास की कम जगह, धूल और बेकार हवा के प्रवाह से जल्दी ही थक जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ियाँ जहरीली गैस छोड़ती है, हवा भी जहरीली और सांस लेने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। कोयले और पेट्रोल को जलाने से गर्मी और जहरीली गैसें पैदा होती है जो कि हवा को प्रदूषित करती है और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाजार में लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण और सिरदर्द करते हैं। हमें धीमे स्वर में संगीत सुनकर खुशी मिलती है। जब बहुत बारिश होती है तब खेतों से बहता पानी ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को भी ले जाता है और भूरे रंग में बदल देता है। इससे न केवल जल प्रदूषित होता है बल्कि मिट्टी को भी क्षति पहुंचती है। किसे हमारी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए? और कौन, हम में से हर एक को। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, हमारे पास स्वच्छ हवा सांस लेने के लिए नहीं होगी। क्या ऐसा सचमुच होगा महोदय? बच्चों, ऐसा बार बार सब जगह हो रहा है। मैं तुमको हरिपुर की कहानी सुनाता हूं, जहां प्रकृति माता गुस्सा हो गई। कृपया ध्यान से सुनो। हाँ महोदय। बहुत समय पहले की बात है, हरिपुर एक हरा भरा और सुंदर गांव था। हरियाली की छतरी के नीचे प्यारे पेड़, घास की चटाई, खेतों में फसलें गर्व से खड़ी थीं। कोंपले फूल बने और पंछी गाते थे। पर्वतों से कोमल और गुनगुनाता पानी नाचते हुए नीचे खेतों में पहुंचता था, क्योंकि यहाँ की नदियां कभी भी सूखती नहीं थीं। प्रकृति माँ के पालने में उसके लोग खुश और तंदुरुस्त थे। परंतु धीरे धीरे सभी लोग आलसी बन गए। सही खानपान और संतुष्टि में आकर उन्होंने कुछ करने की लालसा को ही खो दिया। परिवार बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ने लगी, साथ ही साथ गाय बकरी जैसे मवेशियों की संख्या भी बढ़ने लगी।
लोग ईंधन के लिए पेड़ काटते रहे, लेकिन किसी ने भी पेड़ लगाने की नहीं सोची। औरतों ने सूखे उपलों को जलाना शुरू किया। जल्द ही जंगल गायब होने लगे। हरियाली के अभाव से सूरज की गर्मी बढ़ती ही गई। मौसम बदले, काले बादलों से आसमान घिर गया। बिजली कड़की, बारिश की बूंदें टप टप गिरी, लेकिन बूंदों को सोखने के लिए जमीन पर घास नहीं थी। भारी बारिश ने उपजाऊ मिट्टी को धो डाला और बहाकर नदियों और टेकों में ले गई। तटों पर मौजूद रेत से नदियां कैसे बह सकती थी? पानी ने रास्ता बनाया और पास के गांव डूब गए। बाढ़ के गुस्से ने कोहरा मचाया, लोग डूब गए। बरसात के बाद किसानों ने नई फसल बोई, लेकिन रेत से भरे टैंकों में पानी नहीं था। खेतों में उपजाऊ भूमि नहीं बची थी, इसलिए खाने के उत्पादन में कमी आई। बिना पेड़ों के कई बार बरसात नहीं हुई, गर्म हवाएं चली। प्रकृति माँ के चेहरे पर झुर्रियां और दरारें पड़ गईं। लोग भूखे मरने लगे। परेशान और दुख भरी आंखें भगवान से कहने लगी, हम पर दया करो, आशीर्वाद दो, हे भगवान हमें पानी दो। लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। हरिपुर कभी हरा भरा स्वर्ग था, जो आज एक मरुस्थल बन गया। धीरे धीरे भारी मन से लोगों ने अपने बचे सामान को लेकर भोजन और पानी की तलाश में हरिपुर छोड़ दिया। अपने घरों और मवेशियों को छोड़कर उनके थके पांव मीलों मील चले। एक तपती शाम में किसी ने दूर एक जमीन का हरा टुकड़ा देखा। ये बेशक एक आशा की किरण थी। सभी ने तेजी से चलना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हरियाली स्पष्टता से दिखने लगी। उन्होंने बाग, खेत और बड़ी सी झील देखी। वे गांव में गए और झील की तरफ दौड़े। सभी ने बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया और पेड़ों तले विश्राम किया। उनके आसपास हरे खेत थे। ढलान में मेढ़े बनाई गई थी, जो मिट्टी को बारिश के पानी से बहने को रोकती थी। वायु रोकने के लिए खेतों में क्रम से पेड़ लगाए गए थे। बड़े पेड़ों से गांव घिरा हुआ था। गांव में बहुत सारे सामुदायिक बायोगैस प्लांट थे, जो हर घर में खाना बनाने के लिए गैस और बिजली देते थे। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान इन अजनबियों को देखने के लिए दौड़े। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी गांव का सरपंच गंगाराम था। गंगाराम ने उनकी डरावनी कहानी संयम और सद्भावना के साथ सुनी। उसने उन्हें कुछ दिनों के लिए आतिथ्य का आश्वासन दिया। लेकिन गंगाराम परेशान था। वो रात को जागकर गहराई से सोच रहा था कि प्रकृति माँ उनके लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गई। बाद में गंगाराम को नींद आई। उसने एक सपना देखा, एक चमकती सी चीज को पास आते हुए देखा। एक कोमल और धीमी आवाज उसके बाद आई, गंगाराम मेरे बेटे, मैं प्रकृति माँ हूं। मैं तुम्हें अपनी धरती, जमीन, वनस्पति, सूरज, गाय और हवा से अभिवादन करते आई हूं। तुम मेरा गौरव हो बच्चे। तुम्हारे लोगों ने बहुत सावधानी से मेरी रक्षा की है। हरिपुर के लोगों ने मेरे धन को बर्बाद किया है और मुझे बीमार और बेचारा बनाया। वे तुम्हारे ही अभागे भाई बहन है, जिन्हें तुम्हारी सलाह की जरूरत है। गंगाराम अचानक उठ गया। सुबह हो गई थी। समझदार बुजुर्ग तैयार हुआ और भेंट करने आए लोगों से मिला। गंगाराम बोला, दोस्तों, आपके आने पर मैं चिंतित था, पर अब नहीं। प्रकृति मां मेरे सपने में आई और तुम लोगों के लिए उनका एक पैगाम है। सब लोग बेसब्री से गंगाराम को देखने लगे। वो आगे बोला, प्रकृति हमारी मां है। वो हमें प्राकृतिक संसाधनों से पोषित करती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, जिस तरह हम अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करते हैं। बाढ़, सूखा और अकाल तभी आता है जब उसकी परवाह नहीं की जाती। सब कुछ खोया नहीं है अभी आपने,
आप हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं। आओ हम मिलकर अधिक पेड़ लगाएं, अधिक टंकियां बनाएं, अधिक फसल उगाएं। ये एकमात्र विकल्प है जख्मी और बीमार माँ के उपचार का और पुनः उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का। गंगाराम की उत्साहवर्धक बातों ने चमत्कार किया। एकत्रित होकर सभी लोगों ने प्रकृति माँ की रक्षा के लिए परिश्रम की शुरुआत की।